ये लो पूरे 1000 रुपए हैं। इस हफ्ते का खर्चा इसमें से ही निकालना है। सिर्फ 1000 में पूरा हफ्ता? शू बोलू बेटा, जितली मोटी गोदड़ी हो ने इतलाज पग फैलावा जो ये। अब संभल के चलाएगी तो चल जाएगा। वैसे दिख रहा, अब तू खुद करके देखेगी तब तुझे पता चलेगा कि मुट्ठी भीज कर घर चलाना कितना मुश्किल होता है। समझी गई ने बेटा? खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब किंजल दिख रहा? आप तो शू छे? वही स्नैक्स, जूस, चिप्स और चीनी वगैरह, और बाकी सब मैं खाना बनाने का सामान लेकर आई। ₹32? अरे किंजल दिख रहा, अगर यही शाक तू अपने राजपाल नगर के बाजार से लेती तो तुझे वो ₹10 कम में भी देता। वही मैंने आपको कहा है ना कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा हेडेक है, अब यानी कि मेरा सिर दर्द। और वैसे भी उसमें और इसमें काफी फर्क है। मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी, ये सब देख के तो मेरी प्यासी मर गई। हाँ बधू शू छे दिकरा? ये कैसा वरसान है, पहले तो कभी नहीं देखा। भाई वो फरसान नहीं है, और वैसे भी उसे पका कर खाते हैं और उसे पास्ता कहते हैं। पास्ता हो या फास्ता, मैंने तुझे कहा था सब कुछ 1000 में करना है। भाई मुझे पता है कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं। और मैंने तुझे घी लाने को कहा था ना? भाई घी बटर वगैरह पे जो हम पैसा खर्च करते हैं ना, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। हाँ? अब शू? हाँ भाई, वैसे भी मैं हेल्दी यानी कि पौष्टिक खाने में ही यकीन करती हूँ। ये सारी फैट्स वाली चीजें नहीं, जैसे कि घी बटर। मणि जरा ये इसमें से कौन से कपड़े इस्त्री को देने हैं, जरा निकाल के रखो। छोटा आसे अजय। ठीक है, ये देखिए ना भाभी ये। हाँ और तुम निकाल के रखो। बड़ा आ आसे आसन। एकदम सही। इस कॉपी को स्कूल में दाखिला मिले ना मिले, लेकिन जिकर जी ये तो ऐसे इतना कुछ पढ़ा देंगे कि किसे स्कूल भेजने का और उसका वहां मजाक बनने का खेल तो चौपटी हो जाएगा। ठाकुर जी लगता है आज तो इससे ही चलाना पड़ेगा। अरे राशि दिख रहा, छोटी कागड़ी पर नहीं, देखिए पहले मैं बोलूंगी, मेरा मामला बहुत गंभीर है।